दिल्ली और हरियाणा सरकार के खिलाफ पानी को लेकर खींचतान की जंग लगातार जारी है और इसी मामले को लेकर दिल्ली सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आपको बताते चले कि मामले में सरकार ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल की है। उन्होंने हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से मांग की है कि वो पानी को जो है वो छोड़े। उन्होंने यह भी कहा कि एक महीने से अतिरिक्त पानी दिया जाए और इससे पहले कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि रिकॉर्ड तोड़ तापमान के बीच हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से के पानी में कटौती कर रही है। एक दिन पहले ही आतिशी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार यमुना में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रही है, इससे दिल्ली में जल संकट गहराता ही जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या से जूझ रही दिल्ली को राहत दिलाने के लिए केजरीवाल ने देश की सर्वोच्च अदालत का रुख किया है। आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि वह ज्यादा मात्रा में पानी दिल्ली को दें और जिससे पानी की मार झेल रही दिल्ली को राहत मिल सके। हालांकि आपको यह भी बताते चले कि इससे निपटने के लिए सरकार ने तैयारी भी की है, जिसमें सरकार ने वाटर टैंकर वॉर रूम बनाया है और जहां से दिल्लीवासी 1916 पर कॉल कर टैंकर मंगवा सकते हैं और साथ ही साथ पानी की बर्बादी को रोकने के लिए भी जल बोर्ड की 200 टीमें बनाई गई हैं। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में पानी का संकट जो है गहराया हुआ है, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से कई तरीके के फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार ने 2000 रुपए के जुर्माने की भी जो प्रावधान है वो किए हैं, जिसमें कि पानी को बर्बाद करने वाले लोगों पर जुर्माने का प्रावधान लगाया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि वाहनों को धोना, बर्बादी पानी की जो है बर्बादी करना और बेफजूल में पानी का उपयोग करना इसमें शामिल है। और जिसमें आपको बताते चले कि यदि आप पानी की बर्बादी करते हैं तो सरकार के द्वारा बनाई गई जो 200 टीमें हैं, जो 200 लोगों की टीम है, वो आप पर निगरानी रखेगी और आपके ऊपर 2000 रुपये तक का चालान जो है लगाया जा सकता है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में तापमान बढ़ रहा है, उसी बीच लगातार जो जल संकट है वो राजधानी दिल्ली में देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक टैंकर के लिए कितने लोगों की जो मात्रा है वो पानी जो है वो उस पानी पर निर्भर है। आपको बताते चले कि टैंकर के लिए जो सुविधा है उसको कॉल भी नंबर जो है वो निर्धारित किया गया है, जिसमें 1916 पर आप कॉल लगाकर टैंकर को मंगवा सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार इस मामले में हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा सरकार की ओर से हथनी कुंड से जो पानी है वो कम मात्रा में छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यमुना का जो लेवल है वो लगातार गिरता जा रहा है और यही एक मेन कारण है कि जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में जल संकट बना हुआ है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि आज इस पर दिल्ली सरकार की ओर से एससी का दरवाजा खटखटाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दायर करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द हरियाणा सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह पर्याप्त मात्रा में दिल्ली के लिए पानी को छोड़े। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पानी का संकट बना हुआ है। दिल्ली के कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पे पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। इसका मुख्य कारण हरियाणा से दिल्ली में जो यमुना का पानी छोड़ा जाता है, उसमें हरियाणा का पानी ना छोड़ना इस पानी की समस्या का मुख्य कारण है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली की डिपेंडेंसी काफी हद तक यमुना के पानी पर है। यमुना के पानी से दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चलते हैं। दिल्ली में जब यमुना आती है तो वजीराबाद पॉन्ड पर यमुना का पानी रोका जाता है। वहां से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला को पानी प्रोवाइड किया जाता है। आज सुबह मैं खुद वहां पे इंस्पेक्शन के लिए गई तो ये साफ साफ नजर आया कि जो नॉर्मल वाटर लेवल 374 फीट होना चाहिए, वो पानी का स्तर आज 370.2 फीट पर है।
जब यमुना में पानी नहीं होगा, जब वजीराबाद पॉन्ड में पानी नहीं होगा, तो ये स्वाभाविक बात है कि वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आने वाली सप्लाई के पानी पर असर पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पानी का संकट बना हुआ है। दिल्ली के कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पे पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। इसका मुख्य कारण हरियाणा से दिल्ली में जो यमुना का पानी छोड़ा जाता है, उसमें हरियाणा का पानी ना छोड़ना इस पानी की समस्या का मुख्य कारण है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली की डिपेंडेंसी काफी हद तक यमुना के पानी पर है। तो जिस तरीके से जैसे जैसे तापमान दिल्ली में बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही पानी का संकट भी जो है वो बना हुआ है। और इसी चर्चा पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से राजू मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी आर एन न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। राजू मौर्य जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि जिस तरीके से दिल्ली में पानी को लेकर संकट बना हुआ है, तो आखिर कैसे इस संकट से निदान मिलेगा? देखिए, जैसा कि आप लगातार अपने चैनल के माध्यम से भी दर्शकों को बता रहे हैं और तमाम चैनल भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस बार जो गर्मी का स्तर है वो पिछले जो साल होते थे उससे बहुत ज्यादा है। यानी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अब ऐसे में क्योंकि दिल्ली के पास अपने रिसोर्सेज नहीं है पानी के, हम लोग दूसरे राज्यों पर डिपेंडेंट हैं। दूसरे राज्यों से जो पानी हमको मिलता है हम उससे जलापूर्ति करते हैं, पीने योग्य पानी की पूर्ति करते हैं। अब ऐसे में गर्मी बढ़ जाने से पानी की किल्लत बढ़ गई है और हमने अनुरोध किया जो अपने हमारे पड़ोसी राज्य है कि आप हमको थोड़ा सा पानी अधिक दे दीजिए, क्योंकि आपके पास पानी का भंडारण आपकी आवश्यकता से अधिक है। और ऐसे में क्योंकि दिल्ली में सभी राज्यों के लोग रहते हैं, कोई दिल्ली का कोई अपना मूल नागरिक नहीं है, यहाँ पे हरियाणा के लोग भी रहते हैं, यहाँ पे तमाम देश के, हिमाचल के, उत्तराखंड के और तमाम अन्य राज्यों के लोग भी रहते हैं। तो ऐसे में हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए आप लोग जो है पानी की जो हमारे लिए जो उपलब्धता है वो थोड़ा बढ़ा दीजिए, ताकि लोगों को समस्या ना हो। अगर पानी की समस्या होगी तो निश्चित तौर पर लोग परेशान, और दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तत्पर है कि किसी प्रकार से जो है पानी की जो कमी है उसको दूर किया जाए। क्या उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा सकते हैं, उन प्रयासों के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत है। बाकी इन राज्यों को भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और लोग हमको जो है पानी की थोड़ी सी मात्रा हमारे लिए बढ़ा देनी चाहिए। जी मौर्य जी, लेकिन जो है इस बीच जो बीजेपी पे लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा की सरकार की ओर से पानी जो है वो रोका गया है, जिसकी वजह से दिल्ली में ये आज संकट मंडरा रहा है। देखिए, आपने देखा होगा ये कोई पहली बार नहीं है, जब बरसात होती है तो ये पानी सारा दिल्ली की तरफ छोड़ देते हैं ताकि दिल्ली में बाढ़ आ जाए, और जिस वक्त हमको पानी की जरूरत होती है उस टाइम पानी रोक देते हैं। यानी जितना पानी हमको दिया जाना चाहिए उससे उस पानी को भी रोक करके ये केवल दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए खाली करते हैं। दिल्ली के लोग परेशान हो, केजरीवाल सरकार से नाराजगी किस तरीके से व्यक्त हो पाए उसके लिए खाली इनका प्रोपोगंडा चलता है। अगर ये संवेदनशील लोग हो तो इस तरीके की हरकतों को ना करें। अब देखिए, इस वक्त जो है पानी को जो रोक दिया, और बरसात में आप देखते हैं कि जब पानी बाढ़ आने की स्थिति होती है हरियाणा में तो पानी सारा दिल्ली की तरफ छोड़ देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जनता भी समझ रही है कि किस तरीके से हरियाणा सरकार लगातार दिल्ली के लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। जी आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, क्या दिल्ली वालों से परेशानी है? जब बारिश होती है तो पानी आप छोड़ देते हैं, और अब इस समय जब पानी की जरूरत है तो आपने पानी रोक लिया है, ऐसा सर कह रहे हैं, बताइए सर। ये आज पहली बार नहीं है, ये हर साल दो साल पर ये समस्या खड़ी हो जाती है। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि हमें कोई समस्या नहीं है हरियाणा की तरफ से। फिर
दिल्ली सरकार कहती है कि जी हमें प्रॉब्लम है हरियाणा की तरफ से, ये तय कर ले सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके कि ये समस्या का समाधान कैसे होगा। सिर्फ लड़ने से या कोर्ट जाने से समस्या का समाधान की एक दिन की बात नहीं है, ये हर ये सालों साल और की बात है। और दिल्ली दिल्ली को पानी चाहिए, दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, एक पर्टिकुलर जगह के लोग नहीं रहते हैं। ये कुछ कुछ दिन के बाद ये समस्या उत्पन्न हो जाती है और फिर ये मसला सॉल्व नहीं होता है और ऐसे ही आगे की तरफ टाल दिया जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि सेंट्रल बोर्ड के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठकर इसको मिला जुला के इस चीज को तय करना चाहिए, जैसे कि कर्नाटक में उन लोगों ने अपनी समस्या का तमिलनाडु के साथ मिलकर सॉल्व किया जी। क्योंकि पानी तो पानी एक जीवन का बहुत अभिन्न अंग है और किसी भी रूप में पानी से वंचित नहीं किया जा सकता है। पानी के लिए लोग कहाँ जाएंगे, पानी के लिए तो जो उसका स्रोत है उसी से पानी मिलेगा। बिल्कुल। और दिल्ली का जल स्तर, नोएडा का जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है और बोरिंग वगैरह पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है। तो पीने का पानी लोग खरीद सकते हैं कि नहाने और शौचालय का और किचन के लिए पानी थोड़ी खरीद कर काम चलाएंगे, कितना बड़ा एक्सचेकर पर बोझ पड़ेगा, आम आदमी उसको झेल नहीं पाएगा। तो इस समस्या का तो जितना जल्दी से त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें अब डिले नहीं होना चाहिए। ये सारे लोग मिल बैठ के इसका एक समाधान ढूंढे ताकि लोगों के जीवन पर इसका असर ना पड़े। बिल्कुल मौर्य जी, जिस तरीके से देखा जाए तो मार्च के आखिरी दिनों में जो लास्ट के दिन होते हैं वहीं से जो है गर्मी जो है अपने प्रचंड रूप में आने लगी थी, तो इस बीच समर प्लान जो है वो सरकार की ओर से क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, सरकार की ओर से पर्याप्त मात्रा में पानी को स्टोरेज करने का और किस तरीके से जल संरक्षण किया जा सके आने वाले समय में, जब सर्दियां होती है तो उस टाइम आने वाले समय में जब गर्मियां आने वाली होती हैं तो उन गर्मी में कैसे समाधान निकाल के रखा जाए, इसका प्रयास सरकार करती है। लेकिन होता क्या है कि पता नहीं चलता है कि गर्मी का स्तर क्या होगा और जो घरों में जो पानी का उपयोग हो रहा है उस पर भी जाकर किसी तरीके से कंट्रोल लगाना संभव नहीं है। तो ऐसे में समस्या गर्मियों में उत्पन्न हो जाती है और उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्य में जो हमारी हरियाणा सरकार है ये दिल्ली के साथ बड़ा दोहरा व्यवहार करते हैं। अगर ये सौतेला व्यवहार खत्म करते हुए चाहें तो पानी की समस्या समाधान हो जाए दिल्ली में, लेकिन ये समाधान करना नहीं चाहते हैं। जनता का क्या कसूर है? क्योंकि केंद्र सरकार और हरियाणा, अगर केंद्र सरकार चाहे तो हरियाणा हमको हमारे हक का पानी दे, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली एक एक ये तय रखा होता है कि नहीं भाई, लोगों को परेशान करना है, दिल्ली की सरकार को परेशान करना है, उनको काम नहीं करने देना है और लोगों को परेशानी होगी ताकि लोग केजरीवाल से नाराज हों। तो केजरीवाल से नाराज हो और किसी ना किसी एंड प्रकरण ये सरकार दिल्ली में बनाने के लिए लोगों को नाराज करके केजरीवाल से इस तरीके के प्रपंच करते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप जनता देख रही है, होता है ये संवेदनशील इशू है लेकिन संवेदनशीलता दिखाती नहीं है पड़ोसी राज्य हमारे। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो, उस पर राजनीति करनी जो है आजकल पार्टियों ने एक ट्रेंड बना दिया है। इस बीच जो है जनता सफर करती है और जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल शून्य आता है। देखिए, हम जो है जनता के विषयों पे राजनीति नहीं करना चाहते। हम आराम से दिल्ली के अंदर लोगों के लिए अच्छे स्कूल बना करके उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अस्पताल बना करके लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं और पानी भी भरपूर मात्रा में देने का प्रयास कर रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, उसका भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इन सभी योजनाओं में भाजपा की केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाने का लगातार एलजी द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा
पिछले रास्ते से इसको बाधित करने का प्रयास किया जाता है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि जब हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स में सारे जो है टेस्ट बंद करा दिए एलजी साहब ने, ये चाहते हैं कि जो दिल्ली के अंदर जो फ्री बिजली मिलती है वो बंद कर दी जाए, उसको बंद करने का षड्यंत्र किया गया। पानी फ्री दिया जाता है उसको बंद करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। बहन बेटियों को हमारी बसों में जो फ्री यात्रा मिलती है उसको बंद करने का षड्यंत्र हो रहा है। जहां एक और हमने मार्शल लगाए थे दिल्ली के अंदर जो बसें थी उसको उनको जो है एलजी साहब ने हटा दिया। तो कहीं ना कहीं जो जन कल्याणकारी योजनाएं अरविंद केजरीवाल की सरकार चला रही है दिल्ली के अंदर, उन सभी योजनाओं को किसी ना किसी तरीके से बंद करने का षड्यंत्र हो रहा है, और पानी के लिए लोगों को परेशान करना भी इसी षड्यंत्र का एक भाग है। जी आलोक जी, जवाब दीजिए। तो सरकार लगातार यही कह रही है दिल्ली की कि जो भी फ्री सेवाएं दिल्ली सरकार की ओर से जनता को दी जा रही हैं उसको लेकर बीजेपी लगातार षड्यंत्र करती हुई नजर आती है। देखिए ये गलत बयानी है। अगर ऐसा होगा तो अभी तक तो महिलाओं को बस में फ्री सेवा मिल रही है, अभी तक तो बिजली लोगों को फ्री मिल रही है। अभी जो भी इनकी योजनाएं हैं कोई भी बाधित नहीं है इस तरीके से, क्यों बाधित होगी? अगर 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 दिल्ली सरकार ये चीजें दे रही है और वो उसके खर्चे उठाने के लिए वो सक्षम है, दूसरा आदमी क्यों इसको बाधित करेगा? और ये जो आज जो पानी की समस्या है, भीषण गर्मी, इस तरीके से मैं समझता हूँ सदियों में ऐसा गर्मी बहुत मुश्किल से पड़ा है, इस तरीके का भीषण गर्मी मैं समझता हूँ कि पिछले 40-50 साल में ऐसा गर्मी के बारे में लोगों ने दिल्ली में सुना नहीं होगा। तो इन चीजों को बाधित करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मैंने कहा ना, ये सब चीजें मिल बैठ के तय की जा सकती है एक दूसरे के साथ, इसमें लड़ाई झगड़े करने से ये मसला सॉल्व नहीं होगा। ठीक है सर। राजू बोल रहे थे जिस तरीके से आज दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, तो याचिका में क्या क्या जो है विषय आपकी ओर से उठाए गए? देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि जो हिमाचल, हरियाणा और हमारे जो पड़ोसी राज्य है, इनसे हमको जो पानी जो है जिस मात्रा में हमारे पास छोड़ा जा रहा है उसके उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उसको बढ़ाने से एक तो उनके राज्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पास भरपूर मात्रा में है, लेकिन वो जो हमारे हिस्से का पानी है एक तो पहले पूरा उसको दिया जाए हमको, और साथ में हमारे से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि दिल्ली में पानी की बहुत किल्लत है। जैसा कि अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी ने भी कहा कि 40-50 वर्षों में शायद इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी जितनी इस वर्ष पड़ रही है। तो ऐसे में संवेदनशीलता दिखाते हुए जो हमारे अन्य राज्य हैं उनको भी थोड़ा सा सहायता का हाथ बढ़ाना चाहिए, और दिल्ली को जो है जितने जो कम से कम जितनी हमको नीड है उतना पानी तो हमको कम से कम मिल जाए, वरना लोग बहुत ज्यादा परेशान होंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमने पानी की फिजूल खर्ची रोकने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन इन प्रयासों के साथ साथ हमको पानी चाहिए भी, हमारे पास पानी है। अभी हमारे पास में दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाने के लिए पानी है, लेकिन वो पानी निरंतर कम हो रहा है और जो उसकी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अभी जो आने वाले जो 2 महीने हैं उनमें गर्मी बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अभी आप देख सकते हैं कि शुरुआत में ही टेम्परेचर जो है 50 को पार कर रहा है, तो ऐसे में आने वाले महीनों में बहुत दिक्कत आने वाली है। और हम भी ये चाहते हैं कि इस वक्त इस पर राजनीति ना हो, इस पर जो है केंद्र सरकार और हमारे पड़ोसी राज्य जो है वो सहायता का हाथ आगे बढ़ाते हुए पानी थोड़ा सा हमारे लिए बढ़ा दे, ताकि दिल्ली के लोगों की प्यास बुझ सके, लोग परेशान ना हो। बिल्कुल आलोक जी, क्या केंद्र सरकार की ओर से किसी तरीके की मदद जो है वो की जाएगी अब दिल्ली सरकार की? अवश्य की जाएगी। ये मूलभूत अधिकारों में आता है, आदमी को पानी, हवा, ये सब मूलभूत अधिकार में है। अगर हमारा कोई वर्ग इससे वंचित है तो ये तो घोर अन्याय होगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग शीघ्र टेबल पर बैठ के समस्या का त्वरित समाधान करें। अंतोगत्वा झेलेगी तो जनता, अगर उसके पास ये चीजें नहीं मुहैया होंगी तो परेशानी तो उनको होगी। भाई खरीद कर पानी आदमी पी सकता है, लेकिन अन्य कार्यों के लिए तो पानी
कहाँ से खरीद के पिएगा, वो कितना ज्यादा उसके बजट पे प्रभाव डालेगा। इसलिए केंद्र सरकार के भी संज्ञान में सारी चीजें है ही, और मुझे लगता है केंद्र संज्ञान की ओर से भी पहल होगी और शीघ्र से शीघ्र इसका एक कोई ना कोई समस्या इसका निराकरण होगा और दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल मौर्य जी, जिस तरीके से बीते कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें आतिशी की ओर से भी यह बताया गया कि 5 तारीख तक जो अभी आने वाली है 5 तारीख उस तक जो है सारी जो संकट जो बना हुआ है उस पर काम कर लिया जाएगा, लेकिन अभी इसको 1 हफ्ता बाकी है, तो इस बीच जो है वो दिल्ली सरकार की ओर से किस प्लान पे काम किया जाएगा? देखिए अभी जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जहाँ पे जो दूषित पानी को शुद्ध करके दिल्ली वासियों को उपलब्ध कराने के लिए काम चलता है, उस पर फोकस किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उस भंडारण को अपने सुनिश्चित कर सकें। इसके साथ ही जो अन्य सोर्सेज भी हैं पानी के, वो दिल्ली सरकार उन सोर्सेज के माध्यम से भी पानी का भंडारण करके लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी एक रोड मैप बना चुकी है। यानी कि हमारी पूरी तरीके से यही प्रयास है दिल्ली सरकार का कि किसी भी तरीके से लोगों को पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े। लेकिन क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्राउंड लेवल जो वाटर का है वो भी नीचे, जल स्तर भी नीचे जाता जा रहा है, और बारिश का भी कहीं कोई आसार नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में भविष्य को देखते हुए, आने वाले कल को देखते हुए दिल्ली सरकार ये प्रयास कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खटखटाया है कि हमारे यहाँ पानी की कहीं ना कहीं जो आने वाली किल्लत है या जो अभी परेशानी थोड़ी सी हो रही है उसको देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल करे और कहीं ना कहीं इसका समाधान निकाले, क्योंकि जो हरियाणा है वो बिल्कुल भी हमारे साथ जो है मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा है। जो हमारे हिस्से का पानी है वो हमको नहीं दे रहा है और केंद्र सरकार भी इस पे कोई ठीक से हस्तक्षेप नहीं कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता जिस तरीके से अभी कह रहे थे तो शायद हो सकता है कि केंद्र सरकार तक अपनी को परेशान ना किया जाए और जो पानी है इस पानी की समस्या का समाधान मिलकर निकाला जाए, इस पर कोई राजनीति ना हो, इसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर के इसका समाधान खोजे। तो आलोक जी, सीधा सीधा आम आदमी पार्टी की ओर से यही कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो हमें सहयोग करे ताकि इस जो ये जन समस्या है उसका समाधान हो सके, क्या कहना चाहेंगे आप? यही होना चाहिए, यही समय की डिमांड है। ठीक है राजू जी और आलोक जी, आपका तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली में लगातार जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे ही जल संकट भी बनता ही जा रहा है और जिसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार की ओर से कई तरीके के कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देशभर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।